हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ईवीबी ईसीएस 850 ड्राइव में कूलिंग फैन कार्ड, उसको किस तरह चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो पहले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कूलिंग फैन किस तरह चेंज किया जाता है ईसीएस 850 ड्राइव में। सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा। आते हैं कार्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, कहाँ पर आपको ये कार्ड मिलेगा इस पर्टिकुलर बॉक्स में जो आप एरो में देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ड्राइव का जो कवर है वाइट कलर का, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसे हमें ओपन करना है और ड्राइव का डिटेल जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पे मेंशन किया रहता है, तो आप देख सकते हैं ईसीएस 880 ड्राइव है। नेक्स्ट, ड्राइव का कूलिंग फैन कार्ड जो हमने वाइट कलर के बॉक्स देखा था उसके लेफ्ट साइड के टॉप पे रहता है, तो ये पर्टिकुलर कार्ड जो आपके सामने है वो कूलिंग फैन कार्ड है, यहीं से कूलिंग फैन को सप्लाई जाता है। यहाँ पे आप क्रॉस मार्क नोटिस किया वो इसलिए क्योंकि ये कूलिंग कार्ड फॉल्टी है, और क्यों फॉल्टी है उसका रीज़न हम लोग पता करेंगे ड्राइव को ऑन करने के बाद। कनेक्शन हो चुका है इस पर्टिकुलर कार्ड का। रिमेनिंग कार्ड्स भी आप देख सकते हैं, कंट्रोल कार्ड रहता है, उसके बाद फिर पावर मॉड्यूल कार्ड्स हैं। ओके, अभी सप्लाई ऑन किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं दो छोटे फैंस हैं वो ऑन हो चुके हैं। इस पॉइंट को नोटिस कीजिएगा, वो ब्लिंक करेगा जैसे इसको सप्लाई मिलता है, वो ब्लिंक करता है, बट मेन सप्लाई आने के बाद भी अभी तक ये ग्लो नहीं किया है। इसके लिए जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से जो मेन एयर आप देखते होंगे, फील करते होंगे जब भी ड्राइव ऑन होता है तो वहाँ से एयर एग्जॉस्ट होता है, तो वो अभी आ नहीं रहा है। इस कार्ड का ये प्रॉब्लम था, जैसे कि आप सप्लाई ऑफ करेंगे तब ये कार्ड एक्टिव होता है, तो इसका रीज़न अभी अननोन है। ये देखिए, ऑफ करने के बाद ड्राइव को हमने ऑफ किया, उस समय ये कार्ड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऑन होता है, अब ये एयर आना शुरू करता है, तो ये प्रॉब्लम था इस पर्टिकुलर कार्ड में। नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, सेम है, बस हम कार्ड रिप्लेस करेंगे। जो फॉल्टी कार्ड था उसे हम एक नए कार्ड से रिप्लेस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट क्रॉस मार्क इज़ नॉट हेयर। कूलिंग फैन कार्ड का प्रॉपर टाइटनेस कर दें पैनल के साथ, ड्राइव के साथ। कनेक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। सप्लाई ऑन करने के साथ ही यहाँ पे जो इंडिकेशन था उसे और फैन का जो एग्जॉस्ट एयर है दोनों को हम नोटिस करेंगे। यहाँ पे देखिए हवा आ रहा है, और ये जो इंडिकेशन है जो इम्पॉर्टेंट है ऑन करने के साथ ही आ गया, तो ये एक डिफरेंस था दोनों में। तो जब भी आपको सेम प्रॉब्लम रिपीट हो तो प्लीज़ कार्ड चेक कर लें, एक बार उसका इंडिकेशन चेक कर लें रिमूव करने से पहले। जो भी रिमेनिंग कार्ड्स हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में। रिप्लेसमेंट के बाद जो कवर हमने निकाला था उसे वापस लगा दें, सो दैट ये प्रोटेक्टेड रहे डस्ट और वाटर से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।